अखिलेश यादव और अमित शाह की मुलाकात में क्या संदेश छिपा हो सकता है योगी आदित्यनाथ के लिए? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के निशाने पर सबसे ज्यादा होते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या योगी आदित्यनाथ को इस तस्वीर के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई? क्या योगी आदित्यनाथ तक दिल्ली से संसद की कार्यवाही से कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है जिसको योगी नहीं समझ पा रहे? नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, यहां कब दुश्मन दोस्त बन जाए किसी को नहीं पता होता। इसी बीच जब एनडीए और इंडिया गठबंधन का तकरार चल रहा है, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। चर्चा ये कि क्या राहुल गांधी के साथ खड़ा एक बड़ा दल अब हाथ छुड़ा लेगा? क्या अचानक से जिस दल की वजह से राहुल गांधी जो अपनी जीत बता रहे हैं वही दल अब मोदी के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा? हम आपको पूरी खबर बताएंगे और डिटेल में बताएंगे और मायने भी समझाएंगे आपको, क्योंकि ये जो तस्वीर आई है ये कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं है। संसद में हंगामा भी हुआ था दो दिन पहले, कहा गया कि जो संसदीय परंपरा होती है वो खत्म होती जा रही है, सांसद आपस में मिलते नहीं है। कहा गया कि जो जैसे कि कांग्रेस का सांसद और बीजेपी का सांसद, दोनों सांसदों की आपस में बातचीत तक नहीं होती, आमने सामने से सांसद निकल जाते हैं, यानी जो सालों पहले की जो परंपरा थी दुआ सलाम नमस्ते करने की परंपरा वो खत्म होती जा रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई और राहुल गांधी के साथ खड़े एक दल ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि संसदीय परंपरा जो मिलने जुलने का था वो खत्म नहीं हुआ है। और इसी तस्वीर को लेकर इस वक्त बहस छिड़ी हुई कि क्या इंडिया गठबंधन से एक बड़ा दल अलग होने जा रहा है, क्या इंडिया गठबंधन से एक बड़ा दल अपनी विचारधारा को अलग कर लेगा। हम आपको आगे कुछ पता है उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आज के संसद की कार्यवाही की है। जब कार्यवाही हो रही थी तो उसमें सारे सांसद पहुंच रहे थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे, वहां बाहर कई सांसदों से मुलाकात कर रहे थे। और अमूमन ऐसा देखा गया है अखिलेश यादव के बारे में कि अखिलेश यादव जब भी संसद जाते हैं वो जितने लोग होते हैं जो भी जिनको वो पहचानते हैं जो बातचीत होती है उनसे वो दुआ सलाम जरूर करते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव वहां पर खड़े होकर बाकी सांसदों से हाथ मिला रहे थे, कुछ मीडिया के लोग थे जो अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। सामने से अमित शाह गुजरते हैं, अमित शाह आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, अमित शाह जैसे ही गुजरते हैं अखिलेश यादव के बगल से तुरंत आवाज देते हैं अखिलेश यादव, अमित शाह रुकते हैं पीछे मुड़ते हैं और फौरन नीचे सीढ़ियों से आप देखेंगे दो सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, अखिलेश यादव की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। आपको इस तस्वीर को देखने के बाद जो चर्चा हो रही इस तस्वीर के आने के बाद कि क्या अखिलेश यादव अब बीजेपी यानी एनडीए की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हो गए, इसी तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया पर कई सारे लोग ये लगातार लिख रहे हैं। लेकिन हम आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस मुलाकात को कई लोगों ने बहुत अलग नजरिए से देखा, लेकिन ये वो स्वस्थ संसदीय परंपरा की प्रतीक भी है ये तस्वीर, जिसको खत्म माना जा रहा था कुछ दिनों पहले, जो जैसा मैंने बताया कि दो दिन पहले संसद में इस बात पर चर्चा भी हो रही थी कि अब तो सांसद मिलते ही नहीं आपस में, जिसकी चर्चा की गई। लेकिन अभी जो ये तस्वीर सामने आई उसने बताया कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आपस में लड़कर भले ही अलग अलग पार्टियों के लोग सांसद बने हो संसद तक पहुंचे हो, लेकिन वो जो स्वस्थ परंपरा थी वो खत्म नहीं हुई, चाहे वो अखिलेश यादव ने जिंदा रखा हो या अमित शाह ने जिंदा रखा हो। लेकिन हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे, अखिलेश यादव और अमित शाह की इस मुलाकात के क्या मायने हैं? कई लोगों ने ये कहा कि क्या मायने हो सकते हैं इस वक्त। अखिलेश यादव तो खुलकर बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, खुलकर बोलते हैं कि संविधान खत्म कर रही है बीजेपी, खुलकर बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, चुनाव में पूरे चुनाव प्रचार हुआ। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। अब से इस तस्वीर के लिए आपको करीब 7 साल पीछे लौटना पड़ेगा, साल 2017 की ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मुलायम सिंह यादव जिंदा हुआ करते थे और उसी दौरान योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण चल रहा था। ये उस समारोह की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी उस मंच पर मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन रहे थे, अमित शाह भी वहां उस मंच पर मौजूद थे, अखिलेश यादव सबका अभिवादन करने के बाद मंच से जाने लगे, मुलायम सिंह यादव भी मुख्य मंच पर मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव फौरन उठे, अखिलेश यादव वहां से 4-5 कदम आगे बढ़ चुके थे, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने बुलाया, मोदी और अमित शाह से मिलवाया। ये 5-7 साल पुरानी जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से जो सीख मिली थी
जो मुलाकात हुई, कहा कई लोग तो ये कहते हैं कि सुलह हुआ था, सुलह हुआ था बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। अब किस बात का सुलह, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि किस बात पर सुलह। लेकिन आप देखेंगे कि जब मुलायम सिंह यादव के परिवार में कोई फैमिली फंक्शन हुआ, कोई शादी हुई, उसमें भी नरेंद्र मोदी गए, तो ये समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का परिवार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो लेकिन आपस में मिलना जुलना चलता रहता है। फैमिली फंक्शन में अमित शाह भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। तो इसलिए यह कह देना कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, अखिलेश यादव अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ऊपर से क्या, राहुल गांधी ने, आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्होंने संभाली, लेकिन राहुल गांधी के बगल में कौन बैठता, अखिलेश यादव बैठते हैं, अयोध्या के सांसद बैठते हैं। राहुल गांधी ने इस बार यह प्रयोग किया। इस तस्वीर को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंची होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के निशाने पर सबसे ज्यादा होते हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्या योगी आदित्यनाथ को इस तस्वीर के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या योगी आदित्यनाथ तक दिल्ली से संसद की कार्यवाही से कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है जिसको योगी नहीं समझ पा रहे? अखिलेश यादव और अमित शाह की मुलाकात में क्या संदेश छिपा हो सकता है योगी आदित्यनाथ के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।